गलती तो इस छोकरी की भी है, इसे कचरा नीचे नहीं डालना चाहिए, इसे डब्बे में डालना चाहिए। सफाई ठीक से कैसे होगी? आप लोग अपने स्कूटर और कार सड़क पर खड़े कर देते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी आता है तो उसे सड़क खाली नहीं मिलती, तो वो सफाई करे तो कैसे करे? तो तुम इसलिए मेरे ऊपर कचरा फेंकवाती हो कि मैं मेरे स्कूटर यहाँ पे खड़ा ना करूँ? जवानदार लगाम लगाइए, आप इसे हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आने दीजिए विकल्प जी को, अब उन्हीं से बात होगी। दूध का दूध और पानी का पानी उन्हीं के सामने होगा। हाँ, उन्हीं के सामने बात होगी। यह बात ठीक है, पर घरों के सामने वाहन खड़े करना गलत बात है। जहाँ तक मेरे स्कूटर की बात है, मैं मेरा स्कूटर पार्किंग अड्डे पे ही खड़ा करूँगा। मैं भी आज से मेरी कार को पार्किंग अड्डे पे खड़ा करूँगा, लेकिन तुम क्या पॉलिथीन का उपयोग रोक पाओगे? हर गली हर दुकान के सामने कचरे के डब्बे रखवाने चाहिए और कचरे की गाड़ी को साफ करवाना चाहिए। कचरे और पॉलिथीन की थैलियों को अलग अलग कर पाए, इसलिए यह काम नगर पालिका और नगर पंचायत को दिया जाए। यह बात ठीक है आपकी। प्रभाकर चाचा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से मैं कूड़ा सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़ादान में डालूंगी। हमें पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए और आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। यदि सुबह का भूला शाम को भर जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो हम सभी जाकर नगर पंचायत में